तो आज हम बात करने वाले हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में यूरिन बढ़ जाता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूरेमिया। मतलब यूरिन इनसाइड ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज यूरेमिया। अब यूरेमिया को क्या करना है, अपन को ब्लड यूरिन को ब्लड से रिमूव करना है। तो ब्लड को जब यूरिन से हटा देते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हीमोडायलिसिस। तो अब हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये पेशेंट है तो पेशेंट से क्या करेंगे, अपन ब्लड को निकालते हैं, है ना। इनमें से अपन आर्टरी लेंगे और आर्टरी में से ब्लड को निकालेंगे। फिर उसके बाद ब्लड को एक मीडियम में रखेंगे और इसमें क्या करेंगे, अपन हेपेरिन का ऐड कर देते हैं ब्लड में। हेपेरिन ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट का प्रोटीन होता है, फैक्टर होता है। एंटीकोगुलेंट फैक्टर वह होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या करते भाई, नहीं होते, मतलब ब्लड डज नॉट क्लॉट। इसकी वजह से हेपेरिन की वजह से, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो हेपेरिन डाल दिया। इसके बाद अब इस ब्लड को एक यूनिट में डालते हैं, इसी को बोलते हैं डायलिसिस यूनिट, या इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। मतलब ये जो यूनिट है ये हमारी बॉडी के बाहर एक किडनी की तरह काम करेगी। किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एंड दैट इज द सेम यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी लाइक फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में किडनी फिल्ट्रेशन, ये जो यूनिट है फिल्ट्रेशन का काम करेगी। इसमें क्या होता है, एक सेलोफोन मेम्ब्रेन रहती है, ऐसे ही पोरस मेम्ब्रेन रहती है। ये बहुत क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, आप देख पा रहे हो बहुत सारी क्वाइल स्ट्रक्चर है। तो इन क्वाइल स्ट्रक्चर का काम क्या रहता है, ये सरफेस एरिया को क्या कर देती है भाई, इंक्रीज कर देती है। फिर इसमें क्या रहता है, ये पोरस नेचर की रहती है, तो यहाँ से जो यूरिन रहता है तो ये आपकी यूनिट में रहता है। यूरिन कहा जाए देखो, ये यूरिन की पार्टिकल है, ये आपके बाहर आ गए, मतलब इस यूनिट से बाहर, ये जो मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। अब हमारा सेलोफोन जो मेम्ब्रेन है ये क्वाइल ट्यूब है, तो इसमें क्या रह जाता है, आपका ब्लड। अब इस ब्लड को क्या कर लेंगे भाई, हम एक अलग चैम्बर में इसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही ब्लड हमारा स्टोर हो गया, अब हम इसमें एंटी हेपेरिन फिर से डाल देंगे बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शन। क्योंकि हेपेरिन का काम क्या था, कि आपके ब्लड को क्लॉट नहीं करना। लेकिन अगर हम एंटी हेपेरिन नहीं डालेंगे, एंटी हेपेरिन का काम क्या था कि न्यूट्रलाइज टू हेपेरिन, जो हेपेरिन आपने डाला था उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फिर इसके बाद इसको अपन कहाँ पर डालेंगे, पेशेंट की रेडियल वेन को लेंगे और पेशेंट के अंदर डालेंगे। अच्छा, रेडियल वेन में क्यों डाला, क्योंकि वेन में क्या होता है, आपका इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, और जबकि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो वेन्स में डालेंगे, ऐसा नहीं भाई आर्टरी से लिया तो आर्टरी में ही डाल दिया, ना, क्योंकि हमने ब्लड ब्लड को पंप करना होता कि नहीं, तो उस ब्लड को हम वेन्स में ही डालेंगे, ना कि आर्टरी में। तो उसके बाद फिर ये ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन तो आपको पता ही है ना, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा मतलब हमारा जो हार्ट रहेगा तो ये ब्लड को पंप करेगा, और उसके मीडियम से फिर इसकी जो साइकिल से ये चलती रहेगी। और जो पेशेंट की जो किडनी खराब होने की वजह से जो इसको यूरेमिया हो गया, तो उसको अपन धीरे धीरे क्या हो गया भाई, ट्रीटमेंट भी कर लिया। तो ये था आपका हीमोडायलिसिस। ओके।